अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। शुक्रवार का दिन है, कम्युनिटी बाजार के कारोबारी सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन है। जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि कम्युनिटी बाजार आज शाम के कारोबारी सत्र में कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसे साबित हो सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने चांदी से, और सोने चांदी पर आज चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी अखिलेश जी, नमस्कार। अनुज जी, सबसे पहले अगर सोने चांदी के ऊपर बात की जाए तो कल के ही दिन हमने सोने को $1900 पर ट्रेड करते देखा था। वहीं आज सोना जब सुबह की कारोबारी सत्र में 1875 तक कारोबार करता नजर आया, $25 का अंतर अनुज जी एक ही दिन में देखने को मिला। हालांकि देख रहे हैं कि अब हल्का सा रिकवर हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये जो सोने चांदी में उठापटक का माहौल है, क्या ये आगे भी ऐसे ही बना रहेगा? देखिए अखिलेश जी, अभी हमने देखा सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद हमने एक नेगेटिव इंपैक्ट कमोडिटी में आता हुआ दिखा है, तो उसी वजह से हमने देखा था कि गोल्ड सिल्वर के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी भावों में गिरावट रह सकती है। हालांकि इंटरेस्ट रेट हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए हैं, फेड ने बढ़ाया है, इंडिया ने भी बढ़ाया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ाया है, सभी सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की स्टार्ट किया है, तो उसकी वजह से हमने गिरावट देखी है। कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम जरूर होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने हाईस पे आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड बना है वो अभी थोड़ा डाउन रहेगा और गोल्ड के भावों में कुछ अंतर भी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, देख रहे कच्चे तेल में भी आज कुछ खरीदारी लौटी है। कच्चा तेल काफी दिनों के बाद $110 के ऊपर निकला है, आपको क्या लगता है ये जो कच्चे तेल में तेजी आई है क्यों आई है, और क्या अब कच्चे तेल का जो ट्रेंड है वो आगे ऐसी तेजी वाला ही रहने वाला है? देखिए कच्चे तेल में जो तेजी है वो यहाँ पर हमने देखा है कि जो ओपेक मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, उन्होंने वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी है, बट प्रोडक्शन जो है उतनी क्वांटिटी में नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन की अभी जो सप्लाई है वो कम है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में तेजी है। हमें लगता है कि अभी सप्लाई का जो क्रंच है वो कंटिन्यूस बना हुआ है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल एक तेजी का ट्रेंड कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, नेचुरल गैस में भी आज हमने काफी शानदार बढ़त बनते देखी है, $8.9 पर नेचुरल गैस ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है क्या नेचुरल गैस इसके भी ऊपर के भी आंकड़े भी दिखा सकती है, क्या नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स एक्चुअल में इतने स्ट्रांग हैं? देखिए बिल्कुल, शॉर्टेज जो है नेचुरल गैस की बनी हुई है, और जो हमने देखा था रशिया के अंदर भी एक शॉर्टेज बनती हुई दिखाई दी है, यूरोप के अंदर भी शॉर्टेज है, और अभी भी जो वेदर सिचुएशन है वो थोड़ी सी चिल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में। हमें लगता है उसकी वजह से जो सपोर्ट है वो आता हुआ दिख रहा है, और हमें लगता है कि ऐसे ही भाव आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि नेचुरल गैस के भावों में अगेन हम 700 से ऊपर तक के लेवल आते हुए देखेंगे, तो नेचुरल गैस के अंदर भी तेजी दिखाई दे रही है। जी अनुज जी, बेस मेटल्स में कैसा रुझान रहेगा? देख रहे हैं कि बेस मेटल्स की कीमतें ना ही ज्यादा उठ पा रही है, और अगर गिरावट आती भी है तो निचले स्तर पर सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। देखिए बेस मेटल में हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा डाउनसाइड इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि चाइना की तरफ से जो डिमांड है वो कम देखने को मिली है, कोविड की वजह से वहाँ पर जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी खत्म होती हुई दिखी है, कम होती हुई दिखी है। हमें लगता है कि अभी बेस मेटल में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा करेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा, और आने वाले दिनों में बेस मेटल में हम गिरावट आते हुए देखेंगे। जी अनुज जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में? देखिए हमें लगता है कि यहाँ पर गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में $50,000 तक के लेवल और $1820 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, ऊपर $115 तक के लेवल क्रूड में, और करीबन 8,700 तक के लेवल आपको गोल्ड क्रूड में MCX में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की। जानेंगे अनुज जी से कि एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले MCX कॉटन से। अनुज जी, 45,000 के बाद हम देख रहे हैं कि कॉटन अब यहाँ पे 46,700 तक ट्रेड करती नजर आ चुकी है, आपको क्या लगता है कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर जो तेजी है वो आगे और कंटिन्यू रहेगी? देखिए इंटरनेशनल मार्केट में देखिए 154 सेंट के आसपास के भाव आते हुए दिखाई दिए, कंटिन्यूअसली बढ़त हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं, भारत के अंदर भी यहाँ पर तेजी दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पे मौसम में परिवर्तन देखा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं
जो सोइंग है वो यहाँ पर डिले हो सकती है, और अगर हम देखें तो दूसरी तरफ डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि सरकार ने इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो जीरो कर दी, मगर उसके बावजूद भी अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने यहाँ पर बढ़त बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा और कॉटन के भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। M6 में एक्सपेक्टेड है कि एक बार हम दोबारा से एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर आते हुए देखेंगे, और 48,000 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है जो कि कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। जी ये सर, जी मसालों की बात की जाए तो आज मसालों में हमने काफी निचले स्तर लगते हुए देखे हैं, अच्छी खासी सपोर्ट लेवल से मसालों में आज हमने एक करेक्शन आते हुए देखी है, ये जो करेक्शन आई है क्यों आई है? देखिए रमजान के दिनों के बाद हमने यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखे है, डिमांड जो है वो कम हुई है, सप्लाई बढ़ी है और आवक भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है, तो एक ट्रेंड जो है वो हमें स्पाइसेस में देखने को मिला है। हमें लगता है कि अभी मसालों के अंदर ट्रेंड थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड कम हुई है, और जनरली गर्मियों के सीजन में हम देखते हैं मसालों की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे गिरावट देखी है। इस बार जो प्रोडक्शन है वो हालांकि थोड़ा मिसमैच में है, सप्लाई जो है वो थोड़ी कम है, मगर हमें लगता है कि फिलहाल अभी छोटी अवधि में भावों में कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी कम देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि अभी भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है मसालों में। जी अनुज जी, मसालों के साथ साथ आज हमने ग्वार में भी करेक्शन बनते हुए देखी है, ग्वार में भी देख रहे हैं कि 12,000 का लेवल टूटा है, आपको क्या लगता है क्या अभी ग्वार में थोड़ी और करेक्शन बनेगी? देखिए बिल्कुल, हमें लगता है कि ग्वार के अंदर अभी करेक्शन आती हुई दिखाई दी है, हमें लगता है कि जल्दी ही भाव यहाँ पर 5,800 तक के लेवल दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर देखें तो बारिश का असर देखने को मिला है, कहीं हमने एरिया में राजस्थान के कई एरिया में बारिश होती हुई दिखी, जो कि ग्वार के प्रोड्यूसिंग एरिया है, उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट रही है, और साथ में आने वाले दिनों में मान रहे हैं कि नई क्रॉप की सोइंग भी स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, तो उसकी वजह से भी सेलिंग प्रेशर रहा है, तो हायर लेवल पर यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और नरमी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, एडिबल ऑयल्स में क्या लगता है आपको, क्योंकि देख रहे हैं कि इंडोनेशिया ने तो सीपीओ जब से अपना फैसला लिया है सीपीओ को लेकर, वहीं से मलेशिया से इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया है भारत में, तो ऐसे में ओवरऑल अब एडिबल ऑयल का जो ट्रेंड है वो कैसे रहने वाला है? देखिए एडिबल ऑयल में यहाँ पर हमें ट्रेंड डाउन देखा है, हमें लगता है कि अभी गर्मी का रुख रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा अराइवल्स बढ़ी है, और इस बार हमने सरसों का प्रोडक्शन भी देखा था, तो भारत के अंदर जो आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, और हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में जो है वो नरमी का ट्रेंड आगे एडिबल ऑयल में रह सकता है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल, और अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वहां पर भी भाव नरम रहे हैं, तो खाद्य तेलों के भाव डोमेस्टिक ही और इंटरनेशनल दोनों ही भावों में हमने गिरावट देखी है। हमें लगता है कि अभी और भाव यहाँ पे नरम रह सकते हैं। जी अनुज जी, सोयाबीन में क्या लगता है आपको, देख रहे हैं कि US सोयाबीन वायदा भी यहाँ पर $1,630 के दायरे में है, और भारत में भी सरकार ने GM सोयाबीन आयात करने का फैसला दे दिया है, तो ऐसे में अब कुल मिलाकर सोयाबीन के भाव क्या रह सकते हैं? देखिए सोयाबीन के भावों में हम गिरावट आते हुए देखेंगे, हमें लगता है कि सोयाबीन के भाव इंडिया में 6,500 से लेकर 6,000 तक के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि इस बार सोयाबीन की प्रोडक्शन भी काफी अच्छी है और पैदावार भी काफी अच्छी है, और जो ऑयल कंटेंट है वो भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि भावों में आगे नरमी का रुख रह सकता है। सरसों की अच्छी फसल आने का भी इम्पैक्ट सोयाबीन पे पड़ा है, और धीरे धीरे लोग हम देखें तो सरसों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे हैं, जिसका इम्पैक्ट सोयाबीन पे आता हुआ दिखता है। हमें लगता है कि अभी भाव कुछ नरम की तरफ रहेंगे, और भावों में आगे हम और नरम आते हुए देखेंगे। जी अनुज जी, बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल हमने 2800 तक कारोबार करते हुए देखा था, लेकिन देख रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ पर आज कुछ रिकवर हुई हैं और 2900 तक जाती नजर आई हैं। अनुज जी, बिनौला खल के फंडामेंटल्स देखें तो मजबूत ही हैं, तो ये बिनौला खल अब गिरा क्यों था, और अब ये जो रिकवरी आई है तो क्या ये आगे 3,000 के ऊपर फिर से देखने को मिल पाएगा? देखिए अभी लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन नेगेटिव है, हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के इतने भावों में नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो अभी थोड़ी कम है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जब भी बारिश का सीजन आता है तो पशु जो है वो नेचुरल चारे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, हरे चारे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं, और उसके बाद अगर देखें तो सरसों की खल भी मार्केट में आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी जो पशु है वो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, वो खाना चालू कर देते हैं, तो अल्टरनेट प्रोडक्ट कुछ और आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि नो डाउट की जो कॉटन सीड ऑयल के वो काफी अच्छा रहता है, मगर वो महंगा होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं दूसरे उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अभी थोड़ी सी जो शिफ्टिंग है वो रहेगी, और भाव अभी कुछ और नरम होते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेक्टेड है कि भावों में एक बार 2700 से लेकर 2800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी अनुज जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप एग्री कम्युनिटीज में? और देखिए हमें लगता है कि टॉपिक के तौर पर यहाँ पर ग्वार में दिवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे हमें लगता है कि 5,800 तक के लेवल ग्वार में देखने को मिल सकते हैं। वही दूसरी ओर हमें लगता है कि
ग्वार के अंदर सॉरी कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी दीपावली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 2800 रुपए तक के लेवल देखे जा सकते जी। अनु जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह एग्री कम्युनिटीज के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, अभी हमने पिछले 2 हफ्तों में नरमी आते हुए देखी है, हमें लगता है कि भावों में कुछ और नरमी यहाँ पे रह सकती है, तो आने वाले कारोबारी हफ्ते में भावों में नरमी का रुख भी बना रहेगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे मॉनसून की दस्तक होती हुई दिख रही है और कई एरिया में हमने देखा भी है कि जो मॉनसून है वो जो बारिश है प्री मॉनसून शावर्स वो यहाँ पर होती हुई दिख भी रही है, हमें लगता है कि भाव आगे कुछ नरम होते हुए दिखाई दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।